please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज आगाज उस खुलासे के साथ जिसके सामने आने के बाद से ही देश की राजधानी में सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं के दबे पांव घुसते आतंक के निशान दिख गए हैं। ये बात उस वक्त सामने आई जब दिल्ली में तीन जगह NIA ने छापा मारा और उस छापे में जो मिला उससे पता चला कि आतंक की फंडिंग का पूरा नेटवर्क फैल रहा था। दिल्ली में दिखा आतंक का अक्स, NIA का सनसनीखेज खुलासा, आतंक की फंडिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश, NIA का दिल्ली में तीन जगह छापा, पकड़ा गया कश्मीर का हवाला कुरियर, जो हाफिज सईद अभी तक सरहद पार बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता था। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। जो हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ एक के बाद एक साजिशों का ताना बाना बुनता है, जो हाफिज सईद कश्मीर के नौजवानों को भटकाने की फिराक में लगा रहता है, उसी हाफिज सईद का एक अक्स देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त नजर आया जब NIA ने दिल्ली के दरियागंज, निजामुद्दीन और पूंछा घासीराम इलाके में छापामारी की। NIA की कार्रवाई में ये तीन लोग पकड़ में आए, लेकिन जैसे जैसे पकड़े गए लोगों का सच सामने आता गया, एक के बाद एक कई चौंकाने वाली साजिशों की परत खुलती चली गई और साथ ही आतंक के उस मॉड्यूल का भी पता चल गया जिसके जरिए हाफिज ने हिंदुस्तान के भीतर आतंक की घुसपैठ कराने की गहरी साजिश रची थी। साफ तौर पे इंटरनेशनल फंड जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आ रहे हैं हवाला के जरिए, मिडल ईस्ट से, खास करके दुबई वगैरह से इनको रिसीव किया जाता है और टेररिस्ट कार्रवाइयों के लिए इनको आगे जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। ये खास तौर पे पैसे तीन चार चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बर्निंग ऑफ द स्कूल्स में, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी, कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर क्योस और मेहम और स्टोन पेंटिंग के लिए। NIA को खबर मिली थी कि दिल्ली के कुछ लोगों के तार दुबई में मौजूद आतंकी सरगना हाफिज सईद के संगठन फलाहे इंसानियत से जुड़े हुए हैं और वहां से हवाला के जरिए पैसा भेजा जा रहा है ताकि हिंदुस्तान की राजधानी में आतंक को पनाह दिलाई जा सके। इसी सुराग का पीछा करती हुई NIA की टीम ने 25 सितंबर की रात को दिल्ली के तीन अलग अलग ठिकानों पर छापामारी। छापामारी में NIA को 1,56,00,000 रुपए की रकम तो मिली ही, साथ ही 43,000 रुपए की नेपाली करेंसी भी बरामद हुई। इसके अलावा 5 पेन ड्राइव और 14 मोबाइल फोन जब्त किए। लेकिन NIA के अफसर उस वक्त बुरी तरह से चौंक उठे जब उन्हें पकड़े गए लोगों की असलियत पता चली। NIA ने दिल्ली में रह रहे एक कश्मीरी हवाला कुरियर सज्जाद अब्दुल वानी को पकड़ा और साथ में मोहम्मद सलमान को भी गिरफ्तार किया। लेकिन NIA की एक बड़ी कामयाबी रही जब उसके हाथ हवाला ऑपरेटर मोहम्मद सलीम लगा और उसी से पता चला कि कैसे दुबई के रास्ते हिंदुस्तान में आतंक के गुर्गों की फंडिंग की जा रही थी। वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है। दुबई का नाम आया सामने, लेकिन इसके अलावा दुबई के अलावा UAE से, सऊदी अरेबिया से, OIC कंट्री से, अरब नेशन से, फिर बहुत सारी 80 से ज़्यादा इंटरनेशनल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं जिनके माध्यम से, फिर एक्सट्रॉशन के माध्यम से, हवाला के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आता जा रहा है। NIA को ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली के दरियागंज, निजामुद्दीन और कुचा घासीराम इलाके में रहने वाले तीन शख्स चोरी छुपे लाहौर स्थित आतंकी हाफिज सईद के संगठन फलाए इंसानियत का दिल्ली ब्रांच चला रहे हैं, जिसके लिए इन्हें हवाला के जरिए दुबई से फंडिंग हो रही है। मामले की तह तक जाने के लिए पहले तो इनके फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया और जब जानकारी पुख्ता हो गई तब इन्हें छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इस बात का तो सुराग मिल ही गया
कि सरहद पार बैठा आतंक काका अपने आतंक की दुकान के लिए अब किसी नई जमीन की तलाश में है। जाहिर है इस खतरनाक आतंकी सरगना की ये कोई मामूली नहीं बल्कि गहरी चाल है। एक ऐसी गहरी चाल जिसकी हर बाजी सरहद पार से चली जा रही है। फलाहे इंसानियत फाउंडेशन, वो नाम जो आतंक को पालने के लिए उसे फलते फूलते देखने के लिए पैसों का इंतजाम करता है। ये बात अगर हम कहें तो शायद आप थोड़ा सोच में पड़े, लेकिन यह कबूलनामा है लश्कर के एक आतंकी का, हाफिज सईद के एक गुर्गे का, जिसे 6 अप्रैल 2018 को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया था। FIF से होती आतंक की फंडिंग, FIF लश्कर ए तैयबा का हिस्सा, FIF का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। आतंकी संगठन कोई भी हो, उसे चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और फिर पाकिस्तान की सेना हो या उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी, जिसने सिर्फ आतंकियों को पालने और उसकी नर्सरी चलाने के लिए आतंकी सरगना हाफिज सईद जैसों को पाल रखा है, जो समाज सेवा और जेहाद के नाम पर आतंकी न सिर्फ फैक्ट्री चलाते हैं बल्कि आतंक को फैलाने के लिए फंडिंग तक का इंतजाम करते हैं, और इसके लिए हाफिज सईद ने बाकायदा एक संगठन ही बना रखा है जिसे फलाहे इंसानियत के नाम से जाना जाता है। हाफिज सईद और उसके जैसे आतंकी आका कैसे फलाहे इंसानियत सरीके संगठन की आड़ में फंडिंग का काम करते हैं, इसका खुलासा वो गुर्गा ही आपके सामने करेगा जिसे 6 अप्रैल 2018 को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुपवाड़ा से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो बुरी तरह जख्मी था। नाम है जबीउल्लाह और हमजा। लश्कर की ये जो तंजीम है FIF फलाह इंसानियत फाउंडेशन की, ये पीछे बैनर लगाते हैं, उस पर लिखा होता है कि बर्मा के मजलूम मुसलमान, कश्मीर के मजलूम मुसलमान, और ये FIF से ताउन करें, और ये मस्जिदों के बाहर लगे होते हैं, और ये इनके जो कारकुन होते हैं FIF के, ये ताउन इकट्ठा करते हैं, और अफ्तार बड़े बड़े जलसे होते हैं पाकिस्तान में, उधर से भी इनको फंडिंग आती है, और ये जो बड़े ताजर होते हैं पाकिस्तान में, ये भी इनको 8-8, 10-10 लाख रुपया देते हैं फंड, और इनको सऊदी अरब से भी फंड आता है। सुना आपने, जबीउल्लाह की बात से पता चलता है कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद अपने आतंकियों को न सिर्फ घुसपैठ करवाता है बल्कि उन्हें हर तरह की मदद मुहैया करवाता है। कहने को तो हाफिज ने फलाहे इंसानियत फाउंडेशन नाम की NGO बना रखी है, लेकिन असल में उसकी आड़ में वो आतंक को पालने के लिए पैसा इकट्ठा करता है। ये जो हाफिज अब्दुल रऊफ साहब FIF फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, ये तो एक मरतबा हमारे दोदनियाल सेक्टर पे, जब 2017 में मैं बॉर्डर पे था, उस टाइम हमारे सेक्टर दोदनियाल पे आए, उधर हम सब से मिले और काफी बहुत खुश हुए। हाफिज के आतंकी का ये खुलासा हैरान करता है और पता देता है कि पाकिस्तान की सरजमीं पर कैसे फलाहे इंसानियत फाउंडेशन का चेयरमैन सरहद पर किस मकसद से आता है। साफ हो जाता है कि हाफिज सईद अपनी फलाहे इंसानियत फाउंडेशन की आड़ में असल में क्या गुल खिला रहा है। फलाहे इंसानियत आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। सामाजिक और राहत कार्यों की आड़ में ये संगठन इंडोनेशिया, मालदीव्स, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। शायद ये पहला मौका है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में फलाहे इंसानियत के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। और अब बात उस सीरियल रेपिस्ट की, जिसे ढूंढते ढूंढते मुंबई की पुलिस दुबली हो गई। जी हां, 15 संगीन वारदात को अंजाम देने वाला वो इतना शातिर है कि उसे करोड़ों की आबादी वाले शहर में ढूंढना भूसे में छिपी किसी सुई को ढूंढने जैसा था। लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही देता है। बस पुलिस को वो निशान दिखा उसकी चाल, फिर क्या था, 2 साल की मशक्कत के बाद वो चढ़ गया पुलिस के हत्थे। पकड़ा गया सीरियल रेपिस्ट, 15 वारदातों को दिया अंजाम, आरोपी की चाल से हुई पहचान, खंगाली गई 500 घंटों की CCTV फुटेज।
पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये है रेहान कुरैशी। अब जरा इसकी चाल पर गौर कीजिए, क्योंकि इसकी चाल ने पहले तो पुलिस और उसकी तफ्तीश की चाल बिगाड़ी, लेकिन बाद में जब पुलिस की चाल संभली तो खुद इसकी चाल ऐसी बिगड़ी जिसने इसे कानून की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बकौल पुलिस, रेहान कुरैशी एक सीरियल रेपिस्ट है जिसकी तलाश में नवी मुंबई की पुलिस पिछले 2 सालों से मुंबई की खाक छान रही थी। डीजी साहब का इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी हाल में ये आप नाला सपोड़ा के इंसिडेंट के बाद कि वी शुड फॉर्म ए एसआईटी, वी शुड रिविजिट द एविडेंसेस। सो अकॉर्डिंगली वी रिविजिटेड द एविडेंसेस, वी वेरीफाइड द डिजिटल फुटप्रिंट, CCTV footprints and other footprints which is available on the scene of offense. और वो सब के आधार पे हम लोगों जीरो कर पाए कि कहाँ पे वो हो सकता है, किस एरिया का हो सकता है। बकौल पुलिस, बीते 2 सालों के दौरान रेहान कुरैशी ने 15 से ज्यादा बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस को इसकी तलाश के लिए 2 सालों तक दर दर की धूल फांकनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक रेहान कुरैशी को पकड़ने के लिए पुलिस को शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे सीसीटीवी की करीब 500 से ज्यादा घंटों की फुटेज खंगालनी पड़ी, तब जाकर ये पकड़ में आया। और इस काम में पुलिस की मदद की सीसीटीवी फुटेज ने। पुलिस ने खुद माना कि उनके पास आरोपी के कई सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद 2 सालों तक आरोपी की परछाई तक को वो नहीं पकड़ सकी। पुलिस के मुताबिक आरोपी रेहान कुरैशी अपने शिकार को चुनने के लिए बाकायदा प्लानिंग करता था। पहले वो पीड़ित के इलाके और घर की रेकी करता था, और जब उसे यकीन हो जाता था कि उसे रोकने के लिए वहां कोई नहीं होगा, तब वो पीड़ित के घर के बाहर 3-4 घंटे तक बैठा रहता था। उसके बाद वो पीड़ित के घर जाता और बच्चियों को बहाने से अपने साथ ले जाता था और उनके साथ मनमानी करके भाग जाता। मॉडल्स ऑपरेंडी थी, पहले घर झटकी लेता था, मैंने वो सर्वे करता था, रेकी करता था उस एरिया का, और जहां उसको लगता था कि इस घर में मेल नहीं है वहां जाके वो कहता था कि तुम्हारे फादर ने बुलाया है, सो चिट्ठी है या कुछ है। उसके लिए जो लड़कियां जाती थी उसके साथ वो वीरान जगह पे ले जाके अति प्रसंग करने का प्रयास करता। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर में उस शख्स की तलाश शुरू की जिसकी चाल का एक खास अंदाज था। पिछले 2 सालों से 4 शहरों की पुलिस आरोपी कुरैशी को दिन रात खोज रही थी, लेकिन कामयाबी मिली नवी मुंबई पुलिस को, क्योंकि नवी मुंबई में ही कुरैशी के खिलाफ 7 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि कुरैशी की अलग तरीके की हेयर स्टाइल और अलग चलने की स्टाइल से उसकी गिरफ्तारी की असली वजह बनी। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा है कि पिछले 2 सालों से रेहान बेरोजगार था। इससे पहले रेहान एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता था। पुलिस के मुताबिक रेहान ने 15 वारदात अंजाम दी। नवी मुंबई में 7 मामले हैं, ठाणे में 2, पालघर में 3, मुंबई में 3। पुलिस की बातों पर यकीन किया जाए तो आरोपी एक खास तरह का मानसिक रोगी है जिसे पीडोफीलिया कहा जाता है, यानी ये शख्स ऐसी खास तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें वो बच्चों के साथ मनमानी करने को हर वक्त उतावला रहता है और उन्हें शिकार बनाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर सकता है। नवी मुंबई पुलिस ने आरोपी सीरियल रेपिस्ट रेहान कुरैशी के घर की तलाशी दी तो वहाँ एक लैपटॉप, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस मिले हैं। शक है कि आरोपी हर वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित की फोटो और उनका वीडियो बनाता था। पुलिस का कहना है कि उसके लैपटॉप से एक पीड़ित की फोटो मिली है। इस सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार करना महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि ये सीरियल रेपिस्ट 300 किलोमीटर के रेडियस में मनचाही जगह पर अपने शिकार को चुनता था और वारदात को अंजाम देता था। अब नवी मुंबई पुलिस का मानना है कि कुरैशी की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे कर सकती है।